मैं यार आज फिर वीडियो ई नंबर के मुतल्लक, वीजा लगवाई के मुतल्लक, वीजा स्टैंप के मुतल्लक, वीजे के वकाले के मुतल्लक, इसी के मुतल्लक होगी। मैं बोल रहा हूँ कि फ्लाइट्स बंद हुई थी, जब आपको पता है कोरोना पाबंदियों में, अल्लाह माफ करे, उस टाइम जो हालात हुए हैं आवाम के, जो भाई ये भुगत चुके हैं उनको पता है। यकीन कीजिए, बंदों ने, जो बंदे सऊदी में पहुंचे, मेरे खुद का दोस्त पहुंचा, मेरे साथ ही रूम में रहता रहा, 3 से 3.5 लाख रुपए लगाकर श्रीलंका के जरिए, और उसके बाद कुछ जैसे भी बंदे पहुंचे, और जो ना पहुंच चुके वो पाकिस्तान में उनके क्या हालात हैं परदेसी भाई बखूबी जानते हैं। और उसके बाद दूसरी बात ये है जी, वैसे जो सऊदी में बचे हुए थे ना, उनकी मौजें लगी हुई थी, अब वो कैसे। मैंने उस टाइम जद्दा से बहुत सी वीडियो शेयर की लाइव, बनी मालक वगैरह एंड बवादी वगैरह से। उस टाइम दिहाड़ी भाई 140-150 रियाल थी, आम मेरे जैसे नखट्टू आदमी को 120 रियाल दे मिलती थी। अगर कोई बंदा मेरे जैसा था तो नखट्टू, उसको भी 120 मिल जाती थी। तो वहां पर मौजूद बंदों की तो भाई बारे न्याय रखे, उन यानी कि एक साल ही बोल रहे हैं, एक साल अराउंड में। तो क्यों भाई, बंदे कम थे ना, बाद में बंदे जाने लग गए, फिर काम थोड़ा डाउन होता गया। अच्छा जी, बात यह है कि ये मसले के ऊपर बात कर लेते हैं, इस मौजू के ऊपर। अभी मुख्तलिफ वीडियोज आपने देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर, मुख्तलिफ चैनल की, हर बंदा जारी सी बात है अपने मुताबिक बात करता है। मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोज में महना बदल के मुतल्लक भी बता चुका हूँ, यानी कि महना चेंज के मुतल्लक, बकायदा अम्बेसी से वीजा वापस आ गया है, मुख्तलिफ महना लिख कर आपको साथ में पिक्चर दिखा रहा हूँ, शायद मैं पहले भी दिखा चुका हूँ मैं, यानी कि अपना महना चेंज करवाएं। अभी इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है यार। फिर भी आप अगर वेट करना चाह रहे हैं, जैसा कि ये वीडियो आपको साथ में मैं चला कर दिखा देता हूँ, और मैसेज भी भाई का सुना देता हूँ मैं। कुछ दिन पहले भी इस भाई का मैंने जिक्र किया था कि यार ये बोल रहे हैं कि मैंने भाई अपनी घर की जगह सेल करके, ये साथ वाली ये घर वाली जगह सेल करके मैंने वीजा लिया, और भाई मेरा वीजा स्टैंप नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर मैं सऊदी ना पहुंचा तो। जारी सी बात है यार, इतना कर्जा सर के ऊपर, ये सीन मुझे यकीन कीजिए उस टाइम वाले याद आते हैं जब कोरोना में ऐसे हालात बने। तो अभी मैं आपको साथ में सुना देता हूँ, बता भी देता हूँ। देखिए, सायखा सामन मदली के मतलब यही है जी कि आप कोशिश करें कि आप अपने कफील को बोलकर अपने वकाला में अपना महना चेंज करवा लें। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपके कफील को थोड़ा भाई वर्क करना पड़ेगा, बस यही बात है। तो 4 पैसे दीजिएगा, वो मेरे हिसाब से करेगा, उसको भी पता है मैंने वीजा दिया हुआ है, पैसे भागी हैं इसकी तरफ मेरे कुछ, और ये काम हो जाए तो बेस्ट है। कल एक भाई ने मुझसे ये भी रब्ता किया कि मैंने 1000 रियाल दिया हुआ है, साय खास का वीजा लिया हुआ है, 3वां हो गया वीजा स्टैंप नहीं हो रहा, तो वो मुझे अभी कफील बोल रहा था कि जहाँ तो वीजा स्टैंप करवा ले जैसे भी ये पाकिस्तान में, सॉरी, या मैं वीजा कैंसिल कर दूंगा। तो मैंने उसको बोला कि उसको बोल कैंसिल कर दे, स्टैंप नहीं हो रहा है, वो 1000 रियाल छोड़ दे, यकीनी बात है, उसको 1000-2000 और दे, 1000 ही दे, उससे सायक स्यारा खास का वीजा ले ले, या आमल तदबीर मंजली का ले ले, वो बेस्ट है, उनके ई नंबर निकल लें, या किसी और महीने का ले ले, ये चीज है। तो आपको ये मैसेज सुनाता हूँ, आप सुन लें। अभी ना आप ये वीडियो देख लें, भाई साहब का आपने मैसेज सुन लिया, घर की जगह बेचकर जैसे तैसे, आप ये वीडियो देख लें जो उस भाई ने मुझे उससे भेजी, फिर मैं आपको बताता हूँ। अबे मैं नमक तक चाहे सारे बंदे बैठे, ठीक है, जब अदात आया उन्हें कहा जी कोई नहीं हैगा, साढ़े हाथी 60,000 वीजा तेरा पाकिस्तान च पिया जी, यह देखा जवाजात सारे बंदे को किदा खलोता, को किदा खलोता नजर आ रहे हैं सारे मकतब ने, ठीक है, कहता 60,000 वीजे का बंद किया पाया उन्होंने, तेरा मेरा कला नहीं है, बस सबर करो, तो नवे कि वीजे निकल लग पे लेकिन वकाले नहीं भर रहे। वीडियो आपने देख ली है, वीडियो में क्या वो भाई साहब दिखा रहे हैं कि मैं ये देख रही जवाजात के बाहर भी बंदे खड़े हुए देख लें, 6 लाख कितने, 6 लाख वीजे रुके हुए हैं। भाई साहब की बात किसी हद तक ठीक हो सकती है, क्योंकि इसके मुतल्लक कहीं भी कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है कि कितने लाख वीजे रुके हुए हैं, इनको वहाँ से पता चला होगा या जैसे भी है। बात यह है, मैंने इनको बताया जी, एक नंबर ये जवाजात नहीं है, ये जवाजात आप ये मकतबे सदात है, ठीक है, मकतबे सदात बेसिकली आप उसे जवाजात ही बोल सकते हैं, लेकिन जवाजात नहीं है ये। जवाजात में तो आपको पता है इंटर होने के लिए सऊदी की जरूरत है या मंदूक की जरूरत है, आप इंटर हो ही नहीं सकते हैं। ये मकतबे सदात है, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है इन तमाम चीज़ों की, तो
तो वो जैसे आपको बोल रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि पता करवा दे यार तेरी मेहरबानी, तो वो बोल रहे हैं कि भाई वो यही बोल रहे हैं मुझे वीडियो बनाकर भेज दिए मुझे बता रहे हैं देख लें। तो मैंने उनको आगे से जो भी मशवरा दिया अगर महीना चेंज करवा लें या जो भी है अभी इसके पीछे लग जाएं तो बेस्ट यही है। तो बहरहाल तमाम वो भाई जिनके ई नंबर निकल रहे हैं या जस्ट स्टैंप नहीं हो रहे हैं खासकर साय खास आमर मंजिली या किसी भी छोटे महीने वाले, तो भाई उनके लिए प्रॉब्लम चल रही है। आपको भी पता है जो बड़े महीने या कंपनीज वगैरह के एग्रीमेंट वगैरह के वीजे हैं वो स्टैंप हो रहे हैं और वो बंदे जा भी रहे हैं। तो आप कुछ बंदे ये भी बोल रहे हैं ईद के मतलब, तो आप अगर तो भाई वेट करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। अगर मेरा अभी आपको मशवरा ये है कि पीछे फील के पीछे लगें, कोई बंदा लगाएं उसको बोलें कि अपना महीना चेंज करवा लें वो बेस्ट है, वरना भाई वीजा कैंसिल करवाना पड़ सकता है फिर।